कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में दौरे को सफल बनाने और आगामी लोकसभा चुनावों को एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करने की बात कही। प्रदेश भर में NSI की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उसमें प्रदेश भर से जितने भी युवा छात्र हैं उन सबको लेकर राहुल गांधी जी को पूरा जोश के साथ अपना तैयारी करने के लिए हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और प्रदेश भर में जितने भी छात्र होंगे सबको लेकर राहुल गांधी जी की तैयारी के साथ पहुंचेंगे। युवाओं को लेकर गुस्सा इसलिए है कि माननीय मोदी जी ने हमें, प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं को रोजगार के लिए कहा था वो रोजगार नहीं मिला युवाओं को, खाली उनको जुमलेबाजी और भाषणबाजी के अलावा उसके अलावा पकौड़ा तलने के लिए कहा गया है। बताइए क्या इस देश में युवा ग्रेजुएशन करने के बाद पकौड़े तलेंगे? तैयारी आपने देखा ही है, बाहर मीटिंग चल रही है और हम तो कह रहे हैं कि हर आदमी जो है आज से ही जो है रोजाना 10 फोन करेगा और 50 आदमियों से एक आदमी संपर्क करेगा। ये हमारी प्लानिंग बन रही है और जितने भी हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं उन्होंने 10 फोन करने हैं डेली प्रत्येक व्यक्ति ने, और 50 आदमियों से जनसंपर्क करना है। और आज का एजेंडा नहीं चलेगा मोदी जी का एजेंडा, हमारा 14 वाला चलेगा, जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने घोषणाएं की, जो इन्होंने जो है रोजगार के ऊपर बात की, जो इन्होंने तेल और गैस के ऊपर बात की, जो इन्होंने एक के बदले 10 सिर लाने की बात की थी, जो इन्होंने धारा 370 हटाने की बात की थी, जो इन्होंने राम मंदिर बनाने की बात की थी, जो इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, जो इन्होंने गरीब आदमियों को मकान देने की बात की थी, ये मुद्दे हमारे रहेंगे कि आपने क्या किया 5 साल जो आप वादे करके आए थे। आप हमें नई बात मत पढ़ाइए, पहले आप जो है हमारा पुराना बकाया दीजिए, हमारे 15 लाख रुपये दीजिए आप, आज आप नई बात मत कीजिए। उन बातों से हम जो है हमारा प्रचार घर घर रहेगा, एक आदमी 10 आदमी को फोन करेगा, 50 आदमी संपर्क करेगा और राहुल गांधी जीतेंगे क्योंकि वो ही देश का भला कर सकते हैं। उनके परिवार ने 2-2 कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने टोंट के रूप में कहा है फिर सही दिया वो जो अभी दूसरा है मसूर अजद आप बैठा के उसको छोड़ के आए, इसलिए उन्होंने कहा आप अजहर जी के साथ गए, उन्होंने कोई सम्मानित नहीं किया, आप पे टोंट कसा है, आपको समझना चाहिए। उन्होंने 10 बार कहा अजहर 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 और एक बार अजहर जी इसलिए कहा ताकि आप समझें क्योंकि आप उसको जो है विमान में सह सम्मान छोड़ के आए हैं और आपकी सरकार ने छोड़ा है, इन्हीं अजीत डोभाल जी ने छोड़ा है। आप जो है राहुल गांधी को और कांग्रेस को देखो, बात सुनो, गुट चाहे कितने भी हो सब राहुल गांधी जी के नीचे हैं, सब कांग्रेस के नीचे हैं और गुटबाजी हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता है वो किसी गुट के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी के हैं और हम कांग्रेस के हैं। हम तो जड़ वाले आदमी हैं, हम नेता नहीं हैं, हम थोपे वाले नहीं हैं, हम नीचे से कार्यकर्ता हैं और जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को हम भली भांति समझते हैं, जनता क्या चाहती है और जनता क्या चाहती है और क्या होना चाहिए, हमारे पास समस्या भी है और समाधान भी है, दोनों बातें हैं, तो हम लोगों को समझाएंगे और उनको जो है कार्य भी करके दिखाएंगे। जो कांग्रेस कहेगी वही होगा और जो जनता चाहेगी वो कांग्रेस करेगी, हम मन की बात नहीं है, हमारे यहाँ हमारी मन की बात नहीं, जनता के मन की बात चलेगी और आप देखेंगे इस बात को हम करके दिखाएंगे और अपने नेताओं को भी जो है मजबूर भी कर देंगे कि जो जनता चाह रही है वो एजेंडा चलेगा।